राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसे भगवान जिन्होंने सब कुछ इंसान के रूप में हमें करके दिखाया। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जन्म हों तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने तो जन्म ही ऐसे टाइम पर लिया जब चारों तरफ बिजली की कड़कड़ाहट है, बरसात हो रही है, घनघोर बादल छाए हुए हैं, भयंकर मौसम है, उस टाइम भगवान प्रकट होते हैं। और आप सब जानते हैं कि जेल में जन्म लिया है। जेल में जन्म लेने के बाद जब बाहर वासुदेव जी उन्हें गोकुल छोड़ने जाते हैं तो यमुना जी में होकर के निकलना पड़ता है। यमुना जी भी उनसे मिलने के लिए आतुर हैं और उनके चरण छू करके उतर जाती हैं। एक ऐसे ईश्वर, एक ऐसे परमात्मा जिनको सब कुछ हमें सिखा करके जाते हैं, एक ऐसे गुरु भी हैं वो जिन्होंने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है। भगवान बचपन से ही, लोग कहते हैं भगवान के पास जाकर कि भगवान आपकी ज़िंदगी अच्छी है, हमारी ज़िंदगी ख़राब है, हमारे को ये प्रॉब्लम है, आपकी ज़िंदगी बढ़िया है, हमारा भी कुछ समाधान करो। हजारों प्रश्न, अपनी दुविधा, अपने प्रश्न लेकर के लोग मंदिर में जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि इंसान को इतना अच्छा सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी वो परेशान है, दुखी है। तो भगवान पूछते हैं भाई, आपकी परेशानी ज़्यादा है या मेरी परेशानी ज़्यादा है? तो इंसान कहता है, नहीं प्रभु, परेशान तो मैं ही ज़्यादा हूँ, आप तो सुखी हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, नहीं, परेशान मैं हूँ, आप नहीं। क्योंकि जब मैं और आपके जन्म में यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है कि भगवान कितने कष्ट में थे और इंसान कितने सुख में होता है। देखिए, इंसान से भगवान पूछते हैं कि बता, तेरा जन्म जेल में हुआ था? तो इंसान कहता है, नहीं, बोला मेरा तो जेल में हुआ था। अच्छा, तुझे पैदा होते ही माँ बाप से अलग किया गया? नहीं किया गया, मुझे तो किया गया। तुझे पता, पैदा होते ही ठंडे पानी में डाला गया? नहीं, लेकिन मुझे तो यमुना जी के बीच में बरसात हो रही है ऊपर से और बहुत खराब मौसम है, उस मौसम में बाहर निकल के गया था। आप गए? नहीं। आप बताइए, क्या बचपन में आपको मारने की साजिश रची गई, आक्रमण हुए आप पर? नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर तो बहुत सारे आक्रमण हुए थे। भगवान पूछते, क्या आपने पशु चराए हैं? नहीं भगवान, लेकिन हमने तो चराए हैं। भगवान पूछते, आपको बचपन में किसी ने गुंडा कहा? नहीं कहा, लेकिन मुझे तो कहा है। भगवान कहते हैं, मुझे आपको किसी ने चोर कहा? नहीं, लेकिन मुझे तो कहा है। आप सोचिए, जिन पर हजारों आक्षेप लगे, उसके बाद जब वो 14 साल बाद मथुरा आते हैं और कंस का वध करते हैं और महाराजा अग्रसेन जी को राजा दोबारा से बनाया जाता है और उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। जब बार बार जरासंध उन पर आक्रमण कर रहा था तो बहुत मथुरा की जनता परेशान थी, क्योंकि उसे कोई हरा सकता नहीं था, उन्हें वचन मिला हुआ था। तो महाराज अग्रसेन सबको पूछते हैं कि भाई क्या किया जाए। तो कृष्ण भगवान जी को पूछा जाता है कि कान्हा, आप बताएं कि क्या किया जाए। तो कृष्ण कहते हैं कि महाराज, मेरे हिसाब से तो हमें मथुरा छोड़ के चला जाना चाहिए। तो बलदाव जी बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि कृष्ण, आप क्या बात करते रहते हो, हम यहाँ से छोड़ के भागेंगे तो लोग हमें भगोड़ा कहेंगे, रणछोड़ कहेंगे और हमारा नाम खराब हो जाएगा। हम इतने बड़े योद्धा हैं, हम कैसे रणछोड़ सकते हैं, मथुरा छोड़ सकते हैं? तो कृष्ण की जो आदत है, भगवान की जो आदत है, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दाऊ महाराज, नाम में क्या रखा है? यार, हमारे जाने से, नाम तो एक पुकारने का माध्यम है, यदि हमारे यहाँ जाने से हजारों लोगों की जान बचती है तो हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। और दोस्तों, आप जानते हैं कि मथुरा से जाने के बाद उन्होंने गुजरात में समुद्र के बीच में द्वारका का निर्माण किया था और भगवान श्री कृष्ण वहाँ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो जो किया है हमारे जीवन में, वो हम सबके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने अपने बचपन को, जवानी को ऐसे जिया है कि आज भी आप देखिए, बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी हर माँ अपने बच्चे को बचपन में कान्हा कहती है,
कान्हा बनाती है। छोटा बच्चा होता है उसे कृष्ण बनाते हैं, सजाते हैं। ये किसी धर्म में नहीं, सभी धर्मों के लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने अपना जवानी जी तो ऐसी जी कि आज भी कोई लड़का मस्ती में जा रहा हो तो लोग कहते हैं कान्हा बना घूम रहा है। और उन्होंने महाभारत के युद्ध में 5 निर्वाचित बच्चों को ऐसी सेना के सामने जिता दिया जिस सेना में इच्छा मृत्यु वाले भीष्म पितामह, वर्ल्ड के सबसे बड़े गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ जैसे महारथी थे, उनके सामने 5 निर्वाचित यानी पांडवों को जिता दिया। और उन्होंने महाभारत में ज्ञान दिया तो ऐसा दिया कि शायद उस पर सारे जितने भी अवार्ड होते हैं वो कुर्बान है। गीता का ज्ञान जो है, हमें हर पग पर जहां कहीं सलूशन नहीं मिलता किसी को, वो जाके गीता को पढ़े, उसके एक एक श्लोक में, एक एक लाइन में हजारों हजारों रहस्य छुपे हुए हैं। आपके हर सवाल का जवाब उस गीता में मिलता है। आज उन्हीं आराध्य का, आज उन्हीं मुरली वाले का, आज उन्हीं वृंदावन कृष्ण कन्हैया का, यमुना जी पर रास रचाने वाले उस नटखट नंद किशोर जी का आज जन्मदिवस है। तो दोस्तों, आज हम ये जन्मदिवस मना रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, हम भी अपने मेलोडिया मंदिर पर एक बहुत अच्छा कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं। तो आप सभी आमंत्रित हैं, आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कीर्तन भजन हर किसी के नसीब में नहीं होता। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी घर भी होई। सुत दारा, लक्ष्मी, ये सब कुछ कहीं भी मिल सकता है, लेकिन संतों की संगति, भजन, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता है। तो आज आप जहां पर भी हैं, मानता हूं कर्म भी बहुत जरूरी है, लेकिन उस कर्म के साथ साथ सत्कर्म भी जरूरी है। क्योंकि जब तक सत्कर्म नहीं करेंगे, कर्म करते रहेंगे, बिल्कुल कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन दोस्तों कर्म के साथ साथ सत्कर्म भी करने जरूरी हैं। हमें उन आराध्य को, अपने भगवान को मनाना भी जरूरी है, उनके को याद करना भी जरूरी है, जिन्होंने हमें इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, दुनिया दी है, इतना अच्छा हमें बनाया है। आप देखिए, इसी देश में पता नहीं कितने लोग हैं जो परेशान हैं, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। यार, आपको सब कुछ खूबसूरत बनाया है, तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनके चरणों में जा करके हमें बारंबार प्रणाम करना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए कि प्रभु अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और आज तो रास रचेगा, राधा जी नाचेंगी और कृष्ण की मुरली बजेगी, तो उस रास में, उस रस में आज डूब जाने का दिन है। हम सब भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाएं। जहां पर भी हैं, जहां पर भी आप मना सकते हो, जा सकते हो, चाहे वृंदावन में हो, वृंदावन वाले तो बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, मथुरा नगरी वाले 84 कोस के जो दायरे में आते हैं, ब्रज 84 कोस में, 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी वर्षानुनंद गांव। तो ये जो जगह है, ये अपने आप में मतलब प्रभु की कृपा से लोग वहाँ जाते हैं, जिनका जन्म वहाँ होता है बड़े भाग्यशाली होते हैं। मैं भी ब्रज 84 कोस के दायरे में ही, मेरा घर है, मेरा जन्म हुआ है, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिलता है। तो आज हम सब मिलकर के ये जन्मोत्सव मनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप सब धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।